आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.4% रेपो रेट जो बढ़ाया, उसके साथ ही साथ आज अभी आधे घंटे पहले की खबर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहां भी सीनेट डेमोक्रेट्स रीच एग्रीमेंट ऑन इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट की बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है, जिसके प्रभाव से हो सकता है कि सोमवार को भारतीय स्टॉक मार्केट के साथ साथ डाउ जोन्स, नैसडैक, S&P 500 और रसेल 2000, US मार्केट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट का प्रभाव भी पड़ेगा सोमवार को, ये एक्ट। और ये है आपको CBS न्यूज की सोर्स से आपको मैं बता रहा हूँ जो बीन हैज बीन अंडर फंडेड एंड अंडर स्टिप अकॉर्डिंग टू बोथ। ये सीनेट डेमोक्रेटिक रिच जो एग्रीमेंट इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो लागू होने की संभावना, इसकी बहुत तेज़ी से चर्चा है और टैक्स को लेकर अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से इस खबर को सबसे फर्स्ट स्टेज पे रखा है, जिसके तहत थर्सडे नाइट द देव है रिस्ट ए बहुत बड़ी खबर है। आरबीआई के बाद भारत में लोन महंगा हुआ, इसका असर अमेरिका में भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के रूप में जो लोन यहाँ लेते हैं, रुपया में जो वहाँ पे भुगतान करते हैं, उसका असर दोनों एक दूसरे देशों पर पड़ने वाला है दोस्तों, और जिसको लेके आज बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। चलिए क्या होगा वो तो सोमवार को होता रहेगा, और ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ था, इसीलिए आपको मैंने दे दिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।